इतनी शांति विराजती है यहाँ पे इस जगह में, ये चारों तरफ पहाड़ी, ये हरियाली से भरा हुआ, ये फैला हुआ विशाल खेत, ये हरियाली और पीछे से गई हुई ये हाईवे, चारों तरफ सन्नाटा और शांति मन को एक अजीब दुनिया में ले जाती है। वो दुनिया जहाँ कोई बैर नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई अपने पराये का कॉन्सेप्ट नहीं, जिंदगी की आपाधापी नहीं। मेरा और तेरा नहीं, अपने और पढ़ाई के बीच की दूरी नहीं, और अशांति और बोझल भरा जीवन नहीं, जीवन का संघर्ष नहीं, पैसे कमाने का होड़ नहीं, रोटी कपड़ा और मकान की कोई चिंता नहीं। मन करता है यहीं पे बस जाए जिंदगी भर के लिए और यहीं के होके रह जाए। ये किसी पर्टिकुलर जगह की बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जगह तो ऐसे हज़ारों मिलेंगे पूरे इंडिया में तुम्हें, लेकिन ऐसी जगहों की जो शांति है, जो खामोशी और सन्नाटा है, जो तुम्हें अपने भीतर खींच लेती है, तुम्हें अपने आप से मिलाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शांति में तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है और अपने आप में अपने घर में लौट आता है। चीज़ों से भरी हुई दुनिया, शहरों की चहल पहल और भाग दौड़ में रहते रहते इंसान को भी रुकने का मौका नहीं मिलता है, वो बस भागता ही रहता है और भागते भागते कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और मौत दरवाजे पे दस्तक देने लगती है, इंसान को खुद ही पता नहीं चलता है। ज़िंदगी थोड़े समय के लिए है, लेकिन इंसान अपने बढ़ती हुई ज़रूरतों के पूर्ति के चलते और उसको प्राप्त करने के संघर्ष में ये भूल ही चुका है पूरी तरह से कि भगवान ने उसे एक ज़िंदगी दिया था जीने के लिए, उसे परिपूर्णता से जीने के लिए, लेकिन उसने सब कुछ किया लेकिन जिया नहीं। इंसान ज़िंदगी काटता है, जीता नहीं, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए है, काटने के लिए। कोई होता है जो पूरी ज़िंदगी जी के भी एक क्षण, सॉरी, पूरी ज़िंदगी काटने के बाद भी एक क्षण भी जी नहीं पाता, और ऐसे भी इंसान हैं जो एक क्षण में ही पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं। सच में ज़िंदगी एक कला है, यही कला हजारों साल से इंसान प्रयास कर रहा है सीखने की कि कौन सा सही ढंग है जीने के लिए, लेकिन सीखना तो दूर, वो और भी गर्त में चला जा रहा है। जो सटीक कला होनी चाहिए ज़िंदगी की, वो है सहजता, स्वाभाविक होना, वो तो हम हो नहीं पा रहे, बस प्रकृति से दूर जा रहे हैं। जितना दिन आगे बढ़ रहा है, जितना समय आगे बढ़ता जा रहा है, हम धीरे धीरे प्रकृति से, अपने नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट प्रकृति यानी वो पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, नदी नाले, ये सब नहीं, ये सब तो प्रकृति का एक हिस्सा है, एक मैनिफेस्टेशन है, प्रकृति का एक प्रकाश है। प्रकृति यानी वो सटल इंटेलिजेंस जिन्होंने इन सबको गढ़ा है, जिसके माध्यम से, जिसके होने से सब कुछ गतिशील है, गतिमान है, चलता है। प्रकृति उस सटल इंटेलिजेंस का नाम है जो इंसान से लेके आसमान तक, धरती से लेके अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, सभी इस पूरे खेल को चला रहा है। उस प्रकृति की बात हो रही है, उस प्रकृति के उस प्रकृति का जो नियम है, उस नियम को समझ के और उसके अनुसार चलना ही इंसान
ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए था, अपनी कम ज़रूरतों में से भी बड़ी या ज़्यादा खुशी ढूंढना ही इंसान की ज़िंदगी का और खुशी का एकमात्र आसरा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा हुआ नहीं, इसलिए इंसान इतना दुखी है चाह के चलते। चाह बहुत ज़्यादा है और पाने का सामर्थ्य बहुत कम है। चाह ज़िंदगी भर भटकाएंगे। अलेक्जेंडर को नहीं छोड़ा है, अलेक्जेंडर जब मरा था ना, वो अपने उसका जो कॉफिन था उसमें उसने ये हिदायत दी थी कि जब मेरे कॉफिन को जब ले जाया जाए, मेरे दोनों हाथ बाहर लटकते हुए होना चाहिए, ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, 32 या 33 साल की आयु थी उसकी, इतनी कम आयु में वो दुनिया से चला गया, लेकिन जाते वक्त वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे गया इस दुनिया को कि इस दुनिया को कहना कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं ले जा सकता, भागना व्यर्थ है, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी लड़ के संघर्ष करके आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे हाथ खुले के खुले हैं, मैं कुछ नहीं लेके जा पाऊँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसे मैं दुनिया से आया था वैसे ही जा रहा हूँ। इंसान ये बात नहीं कि जानता नहीं, इंसान ज्ञान पापी है, इंसान को पता है सच्चाई क्या है, उसको भनक मिलती रहती है, लेकिन वो इतना अंधा है, मैटर के पीछे भागने में वो इतना अंधा है कि उसे सच दिखता नहीं, सहज वो हो नहीं सकता। जब तक तुम सहज नहीं होगे तब तक तुम जीना नहीं सीखोगे, तब तक तुम जी भी नहीं पाओगे, ना मर पाओगे ना जी पाओगे, सिर्फ रेंगते रहोगे कीड़ों की तरह। सहजता एकमात्र रास्ता है प्रकृति के साथ एक हो जाना, जो कि हो ही, जब तक इस सहज स्वभाव को स्वीकार नहीं कर लोगे सुखी तुम कभी होगे नहीं, यही सच्चाई है। खैर, जरा देखो इस शोभा को, प्रकृति के इस फैलाव को, प्रकृति के इस अद्भुत सृष्टि को। प्रकृति चाहे तो अगर देने पे उतर आए तो क्या कुछ नहीं दे सकता है, पूरा साम्राज्य है इसके पास, दोनों हाथों से लुटा सकता है, लेकिन हम इंसानों की जो लालच है, जो लोभ है, जो महत्वाकांक्षा की जो पराकाष्ठा है, वो प्रकृति के जो ये खूबसूरत मैनिफेस्टेशन है इसको भी तबाह कर रहा है धीरे धीरे, अपने तुच्छ और क्षुद्र स्वार्थ के लिए। दया होती है आने वाली पीढ़ी के लिए, पता नहीं उन लोगों की ज़िंदगी कैसे होगी। खैर, उनका भी भला हो जो इस दुनिया में आके जा चुके हैं, उनका भी भला हो जो दुनिया में है, और उनका भी भला हो वो भी खुश रहे जो इस दुनिया में आने वाले हैं। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।